So now we will see Stirling cycle. Unlike Carnot cycle, which was a hypothetical cycle, जिसके applications आपको देखने नहीं मिलेंगे, right? Because it was hypothetical, real life it was not possible. Even though it was hypothetical, but हमारे लिए बहुत काम का था. It helped us to get closer to the highest efficiency, right? हमको पता चला कि एकदम maximum efficiency वाला heat engine कैसा होगा, maximum COP वाला refrigerator कैसा होगा, right? So उसी से help लेके हम यहाँ पे पढ़ने वाला भी Stirling cycle. तो ये आपका practical application वाला cycle होगा. अभी इसमें जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं, इट कैन बी एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. सो स्टर्लिंग साइकिल कैसे काम करेगा? स्टर्लिंग साइकिल पहले उसका पीवी कर्व देख लेते हैं. सो दिस इज हाउ अ स्टर्लिंग साइकिल विल लुक लाइक. समथिंग लाइक दिस. सो let me name this different path A, B, C and D. आपको देखो थोड़ी बहुत ये सिमिलर दिखेगी कैनॉट साइकिल से, बट ओनली डिफरेंस इज ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस B टू C, D टू A, दिस टेक्स प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. जो भी वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा V1, V2, वो इन दोनों प्रोसेस में चेंज नहीं होगा, राइट? सो स्टर्लिंग साइकिल में अगर आप उसको हीट एब्जॉर्ब करोगे, दोगे मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब करते हो तो ये आपको अच्छा खासा वर्क करके देगा. उसका उल्टा अगर आप वर्क करते हो तो दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज ए रेफ्रिजरेटर. एंड इसका एज ए रेफ्रिजरेटर बहुत सारे यूजेस है इंडस्ट्री में और सभी जगह पे. ये एज ए रेफ्रिजरेटर ज़्यादा यूज होता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक्स, जहाँ पे कम टेम्परेचर में केमिकल्स को रखा जाता है. जो हमने ऊपर ये वर्किंग सब्सटेंस मैंने मेंशन किए थोड़ी देर पहले कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इवन एयर, इन सबको लिक्विफाई करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. और इन शॉर्ट टेम्परेचर जहाँ पे हमको कम रखना है किसी भी चीज़ का, वहाँ पे इसको एज ए रेफ्रिजरेटर यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें दो चीज़ें होगी. अब इसके दो प्रोसेस आपके क्या होंगे? आइसोथर्मल, और दो आपके होंगे आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा, वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट रहेगा. तो एक एक करके ये चारों को देखते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए एग्जैक्टली क्या क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप वन विल बी फ्रॉम ए टू बी. फ्रॉम ए टू बी this will be an isothermal process, and as you can clearly see volume is changing from A to B. This is the respective volume at A, this is the respective volume at B. So obviously volume is increasing, so this will be an isothermal expansion. Next, from B to C or third, deep bhi jayenge har ek process mein kya ho raha hai, theek hai? Isothermal expansion A se B, B से लेके C तक ये मेरा कैसा प्रोसेस होगा? दिस विल बी एन आइसोकोरिक प्रोसेस. ओके, सिंस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. अगर आपको याद रहेगा तो हमने जो इसके पहले कैनेट देखा था, कैनेट साइकिल में ये दोनों आपके एडियाबेटिक होते थे, दिस एंड दिस, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, दिस विल बी आइसोकोरिक. नाउ फ्रॉम C टू D अगेन दिस विल बी आइसोथर्मल, but this case it will be compression. Again D to A, जहाँ पे मेरा cycle complete होगा, this will also be isochoric. मैंने ऊपर ऊपर से लिखा है, इसमें और थोड़ा deep पे भी जाएंगे, but basically this two process A to B and C to D are isothermal, B to C and D to A is isochoric. तो इसमें और deep में जाके देखते हैं exactly होता क्या, ठीक है? कौन से process में work होता है, कहाँ पे हमारा टेम्परेचर वेरी करेगा, सारा एक एक करके देखते हैं. सो लेट स्टार्ट विथ ए बी. सो ये मेरा वो पार्ट होगा जहाँ पे हम वर्क डन करेंगे, जहाँ पे हमारा एक्चुअल वर्क होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम हमारा जो हॉट रिजर्वायर है वहाँ से हम हीट लेंगे, है ना? इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, हम वर्क डन करेंगे. एंड सिंस दिस इज एन आइसो थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपांशन टू बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है. ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन भी होगा, राइट? तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा ना इस पॉइंट पे, लेट मी राइट इट टी एच. इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, ये पे भी टी एच ही रहेगा, टी एच चेंज नहीं होगा. सो फ्रॉम ए टू बी आपका वर्क डन होगा, दिस विल बी एन आइसोथर्मल एक्सपांशन एंड टेम्परेचर विल बी सेम. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हीट हमने लिया क्यू एच से उसको हम पूरा वर्क में कन्वर्ट करेंगे, जो थोड़ा पार्ट हम कर सकते हैं. अब आ गया बी से सी.
बी से सी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, बट जो थोड़ा बहुत हीट बच गया यहाँ पे, यहाँ से जो लास्ट में यहाँ पे आपका हीट इजेक्ट होगा जो आपका क्यू सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल में टेम्परेचर कम होगा, क्यू टी एच से लेके टी सी तक हमारा जो ये टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करेगा, तो टेम्परेचर यहाँ पे आपके गैस का कम होगा, आपका गैस यहाँ पे कूल डाउन होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो बी से लेके सी तक दिस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, कूलिंग ऑफ गैस। राइट नाउ फ्रॉम सी टू डी, सी से लेके डी में क्या होगा वापस, ये होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर विल नॉट वेरी बट दिस विल बी एन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। राइट सो यहाँ पे क्या होगा, वही हमारा हीट यहाँ पे डंप होगा क्यू सी। एक और चीज, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर लूज हो रहा है तो यहाँ से हमारा क्यू बाहर जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, एक बार हम सी से डी वापस आगे कंप्रेस हो गया मेरा पूरा गैस, वापस इस पॉइंट पे पहुंच गई डी, एक एक स्टेप दूर है वापस अपने इनिशियल स्टेट तक पहुंचने के लिए। राइट इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्चुअल में हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो हमने देखा था ना यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, वो टेम्परेचर को हमने वर्क में कन्वर्ट किया, तो टेम्परेचर आया कहाँ से, वो टेम्परेचर इस पॉइंट पे आया। सो दिस इज द पार्ट वेयर हीट एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, मेजर हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, दिस विल बी योर आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। सो इन शॉर्ट अगर हम सारे को एक साथ देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से बी में होगा आपका वर्क डन, क्यू एच से वर्क डन होगा, ठीक है। बी से सी में गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। राइट अब सी से डी में वापस क्या होगा, इसको वापस हम कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा था वो एक्सपांड हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे इसको वापस कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद जैसे डी पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे पिस्टन आपको वापस नीचे आएगा, डी पॉइंट पे आते ही वापस उसको हम हीट दे के क्या करेंगे, टी एच तक पहुंचा देंगे, वापस उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे आपका जो भी आप वर्किंग सेप्शन यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड अगेन वी कम एट पॉइंट ए फ्रॉम वेयर वी कैन रिपीट द साइकिल अगेन एंड अगेन। सो ऐसे आपका स्टर्लिंग साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेगा।